सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई राज्यों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-75 पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। पहली बारिश में ही NH-75 सड़क का पोल खुल गया। यह सड़क खुद से बयां कर रहा है, सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क, ऐसा नज़ारा NH-75 सड़क के कई जगहों पर देखने को मिला, जो बारिश का पानी भरने के बाद तालाब की शक्ल में दिखने लगा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस NH सड़क से रोजाना सैकड़ों से अधिक गाड़ियों का आवागमन होता है, जो कि राजधानी रांची सहित अन्य जगहों पर इस सड़क से लोग आते जाते हैं, जबकि इसी सड़क से जिलाधिकारी की गाड़ी से लेकर प्रशासन की गाड़ी का आवागमन होता है। बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है, अधिकारियों को बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार है। बता दें कि यह सड़क सीमावर्ती बिलासपुर से पुरैनी पुल के समीप, हेहो मोड़ के निकट, धमनी पुल के समीप, जंगीपुर स्थित पेट्रोल पंप के समीप सहित दर्जना अधिक छोटे बड़े गड्ढे जानलेवा बन चुके हैं। पिछले दिन हुई बारिश से सड़क पर गड्ढों में पानी जमा होकर तालाब का रूप ले लिया है। चार पहिया वाहनों तो एन क्रेन प्रकार गड्ढों को पार कर जाते हैं, पर दो पहिया, साइकिल व पैदल चलने वालों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा यह होता है कि बाइक व साइकिल सवार इन गड्ढों में गिरकर घायल हो जाते हैं। ऐसी हालात प्रत्येक वर्ष देखने को मिलती है, लेकिन विभाग की ओर से इसे मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं, ना ही इस पर जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान है। ऐसा लगता है कि विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। इसका खामियाजा NH-75 पर चलने वाले राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस समस्या का समाधान करती है या कुंभकर्णी नींद में सोई रहती है। बंसीधर नगर से शुभम जायसवाल की रिपोर्ट।